हेलो भाई डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद लॉ एकेडमी पर। दोस्तों, ये यूजीसी नेट JRF पेपर वन को लेकर के लेक्चर है। पेपर वन में यूनिट नंबर टू रिसर्च एप्टीट्यूड के तहत टॉपिक है आपका थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। यहाँ दोस्तों, इससे पहले भी तीन लेक्चर इस यूनिट से आ चुके हैं, लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप वो वीडियोज को देख सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, थीसिस या डिसर्टेशन क्या होता है, ये पहली बात तो एक ग्रीक वर्ड था, दो थीसिस के रूप में ही लिखा जाता था। बस ऊपर ये ई के ऊपर देख रहे हैं, ये लगा रहता था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि थीसिस ग्रीक वर्ड क्या था, तो आपको ये टिक मारना रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, समथिंग पुट फॉरवर्ड और रिफर टू एन इंटेलेक्चुअल प्रोपोजिशन, इतना आपको ध्यान में रखना है। देखिए, डिसर्टेशन और थीसिस जनरली ये एक ही समझा जाता है, पर कुछ कंट्रीज में, कुछ इंस्टीट्यूट्स में इसको अलग अलग भी मानते हैं, पर हम यहाँ पर एक ही चीज मान के चल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे आप भी। क्या होता है ये, डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ कैंडिडेचर फॉर एन एकेडमिक डिग्री और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रेजेंटिंग द ऑथर्स रिसर्च एंड फाइंडिंग्स। बात समझ में आ गई, ये एक एकेडमिक डिग्री या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए डॉक्यूमेंट है जो आप सबमिट करते हैं कि हाँ, मैंने अपने डिग्री के दौरान या क्वालिफिकेशन जब प्राप्त की, उसमें आपको कुछ काम दिया जाता है और उससे आप ये डिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट वन इज थीसिस का लेआउट। अगर हम देखें तो सबसे पहले आप मान लीजिए ये थीसिस है, तो उसके पहले सेगमेंट में क्या होता है, कंटेंट्स प्रियर टू चैप्टर्स, क्योंकि जब चैप्टर्स का पार्ट होता है वही सबसे ज्यादा होता है। तो अगर मान लीजिए आपका जो बीच में चैप्टर्स है, तो उसके पहले प्रियर कंटेंट्स होते हैं। प्रियर कंटेंट्स बहुत बड़ी चीज है, अभी आपको देखेंगे। इसके बाद रेफरेंसेस, यहाँ पर रेफरेंसेस मतलब आपने कंटेंट कहाँ से लिया है, साइटेशन, ठीक है। ये एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्ट होता है एकेडमिक राइटिंग का। मेन पर्पज उसका क्या होता है, टू एक्नॉलेज ओरिजिनल सोर्स, कहाँ से आपने कोई चीज पढ़ी, क्या लिया, वर्क आइडिया कहाँ से लिया, ये एक तरीके से सम्मान देने के लिए, भैया हमने आपके काम से पढ़ा है। मान लीजिए फलाना आनंद सर ने कोई वीडियो बनाया है या कोई चीज लिखी है, और आप उससे क्या करें, देखें, पढ़ें। तो कायदे से जब आप कोई वीडियो बनाए या फिर कोई कंटेंट या पेपर मेरा रिसर्च जो पब्लिश हुआ, उसको अगर आप पढ़ करके उससे आप क्या कहते हैं, कोई नया पेपर बना रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, थीसिस में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, तो आप मुझे रेफरेंस में क्या दे देंगे, एक सैल्यूट मारेंगे एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, टू एक्नॉलेज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ वर्क एंड आइडिया विच ऑथर डोंट ओन। अगर ओन कर रहा है तो फिर बताएगा क्यों, सच एज बुक्स, जर्नल, रिसर्च पेपर, वेबसाइट, अदर्स, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे अपना एग्जांपल दिया कि अगर आप मेरा जर्नल क्या कहते हैं, रिसर्च पेपर पढ़े हो या वेबसाइट, मान लीजिए आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आप इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आता है अपेंडिसेस। खैर, एक बार एक शुरू करते हैं। कंटेंट प्रियर टू चैप्टर्स में क्या क्या चीजें हैं, टाइटल ऑफ द पेज होगा, थीसिस सर्टिफिकेट होगा, एक्नॉलेजमेंट होगा, अब्स्ट्रैक्ट होगा, कंटेंट्स होंगे, फिगर्स होंगे, टेबल्स होंगे और नॉमिक्लेचर होंगे। सबसे पहले मैं बताऊं आपकी थीसिस का क्या नाम है, प्रॉपर टाइटल आपको डालना पड़ेगा, बच्चे का नाम जो सबमिट कर रहा है, मतलब जो रिसर्चर या फिर पेपर राइटर है, उसका गाइड का नेम, जिसने उसको गाइड किया होगा, उसके प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट, कोई भी हो सकता है। इंस्टीट्यूट का नाम मान लीजिए आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम और उसके साथ में उसका लोगो, ठीक है। थीसिस सर्टिफिकेट में क्या होता है, ये सर्टिफिकेट एक तरीके से आप अपनी कॉपी में लगाते हैं, एग्जामिनर उस पर साइन, आपका गाइड उस पर साइन करता है। तो गाइड क्या करता है, डिक्लेयर करता है कि भैया हाँ, ये जो इन्होंने वर्क किया है वो एक मॉडिफाइड रिकॉर्ड ऑफ रिसर्च है, इसको मैं बता रहा हूँ कि इस बंदे ने अच्छे से रिसर्च वगैरह किया है। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, नेम ऑफ द पर्सन हेल्प्ड और एडवाइज द रिसर्चर बाय एनी मीन्स। फर्ज कीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आपको किसी क्या कहते हैं, पेपर की जरूरत पड़ी, तो आनंद सर ने प्रोवाइड कर दिया, तो आप क्या करेंगे, थैंक यू आनंद सर इन माई रिसर्च, एक्नॉलेज करेंगे। या फिर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करने की जरूरत पड़ी, भाई ठीक है आपको मैंने पैसा दे दिया, तो थैंक यू आनंद सर आपने मुझे पैसा दे दिया रिसर्च में, ठीक है। एनी काइंड ऑफ हेल्प, आपको कन्वीनियंस से लेकर के लैपटॉप से लेकर के, समझ रहे हैं, किसी भी प्रकार से चीजें छोड़ देना, हर प्रकार की चीजें नहीं दे पाएंगे, जो रिसर्च में काम आ रही है उन्हीं चीजों को, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट में क्या है, मेन कंपोनेंट होता है किसी भी पेपर का, इसमें आप एक पूरे कंप्लीट पेपर की एक झलक देखने को पाते हैं। हाईलाइट द ओवरऑल कंटेंट ऑफ द थीसिस करता है ये, एक्सप्लेन व्हाई पेपर इज इंपॉर्टेंट। जाहिर सी बात है, आपका पेपर हम क्यों पढ़े, हमको क्या पता आपने क्या लिखा, तो आपका अब्स्ट्रैक्ट पढ़ूंगा मैं, देखूंगा मेरे लायक है, मुझसे मतलब कुछ है भी, मेरा इंटरेस्ट है इसमें, अगर इंटरेस्ट है,
आई विल रीड दैट, अदरवाइज आई विल नॉट रीड दैट। फाइनली समरी ऑफ द मेजर रिजल्ट्स लिखा जाता है। मान लीजिए इसमें आपने कुछ फ्रेम कर रखा है अब्स्ट्रैक्ट, अब आप दिलचस्पी तो जग गई, अब मैं पूरा रिसर्च पेपर आपका पढ़ूंगा? नहीं, मैं क्या पढ़ूंगा, मेजर रिजल्ट्स के ऊपर समरी क्या लिखी बंदे। एक अगर बहुत इंटरेस्ट जनरेट हुआ, आई एम क्यूरियस अबाउट योर अब्स्ट्रैक्ट, देन आई विल गो थ्रू योर रिसर्च पेपर, अदरवाइज देयर इज नो नीड, व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम एंड एज वेल एज रीड द बोगस थिंग्स। इफ योर रिसर्च पेपर इज नॉट बोगस, देन आई विल रीड दैट, फाइन, ओके। कंटेंट्स होंगे, कुछ फिगर्स होंगे, टेबल्स होंगी, फलाना ढिमका होंगे, नॉमिक्लेचर जिसने आप एब्रीविएशन के नाम से जानते हैं, या टर्म्स या सिंबल्स। मान लीजिए आप लिख रहे हैं एपीआर, एपीआर क्या है वो, सीआरटी क्या है, ऐसे जो छोटे छोटे एब्रीविएशन लिखे जाते हैं। फर्ज कीजिए मैं लिख रहा हूँ नोन एज, तो ये नोन एज एब्रीविएशन आएगा, विदाउट लिखता हूँ तो ये क्या चला जाएगा, एब्रीविएशन, छोटे छोटे एग्जाम्पल, ठीक है। चैनल को आप भी छोटे छोटे स्टेप्स में सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट वन इज अ चैप्टर्स। चैप्टर्स में क्या क्या रहता है भाई, देखिए सबसे पहले तो हर एक, मान के चलिए 6 से 7 चैप्टर्स होते हैं जर्नली किसी भी पेपर में। इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, लिटरेचर रिव्यू, ऐसा तो नहीं आप बस लिखने बैठ गए कुछ पढ़ा नहीं। देखिए फर्ज कीजिए आप मानते हैं कि इंटरनेट एरा में क्राइम्स, ये एक मैं एब्स्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, इंटरनेट एरा में क्राइम्स का रूप कैसे बदला है। अब जाहिर सी बात है आप अनोखे बंदे तो होंगे नहीं जो ये लिखने जा रहे हैं, इसमें बहुत लोगों ने लिखा होगा, तो पहले आप उनको पढ़ते हैं, वहां से आपको एक आइडियाज जनरेट होते हैं, वहां से आपको नई नई चीजें पता चलती हैं। तो आपने कितना पढ़ा, कुछ पढ़ा पढ़ा एक सीधे मुंह उठा के लिख के लिखने चले आए, ये चीजें देखी जाती हैं। मेथोडोलॉजी, अभी आगे समझाऊंगा क्या क्या मेथड्स आप अपनाते हैं, कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। प्रिलिमिनरी स्टडी, जब आप फाइनल उस चीज को करने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद रिजल्ट एंड डिस्कशंस, कंक्लूजंस, रेफरेंस, आप किसी को सलामी दे रहे हैं तो कैसे देंगे, इसके 21 स्टाइल परमिटेड हैं, जैसे AAA, MLA, ASA, ACS, APA, इन सब के फुल फॉर्म जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा या किसी एक की बताइएगा, ठीक है। ये बात ध्यान, अपेंडिक्सेस में जैसे लेंथी कोई कैलकुलेशन है तो आप उसको रिसर्च पेपर के बीच में नहीं रखते हैं, क्या डिसर्टेशन के बीच में नहीं लिखाएंगे, जहां आप मान लीजिए किसी चीज का इंटीग्रेशन निकालना पड़ रहा है मैथ्स वाले समझेंगे, तो आप उसको फलाना ढिमका 3 पेज का आप कैलकुलेशन ही निकाल दिया, अरे उसको अपेंडिक्स में डालो भाई, ठीक है, जिसको कैलकुलेशन देखनी है वहां पे देखे, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, क्या क्या इक्विपमेंट्स आपने इस्तेमाल किया, ये सब आप अपेंडिक्सेस का पार्ट होता है। बात समझ में आ रही है, चलिए बहुत अच्छी बात। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल सेशन। आपको हम बता दें कि भाई हमारे यहाँ UGC नेट JRF की क्लासेस चलती हैं, यूट्यूब पर तो आप पा ही रहे हैं, AP और सिविल जज ये मेन बहुत पहले से चलता आ रहा है, आप इन क्लासेस में एनरोल करिए 9452020075। अभी UP APU में काफी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, RGS में हुए हैं, उत्तराखंड APU में भी कई लोगों ने अपना लिखा हुआ है, तो ये भी जानिए कि यहाँ पर आपको न केवल अब सिविल जज और APU की प्रिपरेशन, साथ में UGC नेट JRF का भी होगा, ठीक है। तो लाइव एंड रिकॉर्डेड बोथ द बैचेस आर अवेलेबल, जिसमें भी आप जाना चाहें ये दिए गए नंबर पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके, टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए, हैव अ नाइस डे, शब्बा खैर।